तो जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी थी जो कि थी रिगार्डिंग माइनॉक्सिडिल की, और माइनॉक्सिडिल में मैंने आपको बताया था कि कौन सा माइनॉक्सिडिल जो है वो यूज़ किया था, कैसा एक्सपीरियंस था, माइनॉक्सिडिल होता क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो मैंने हर एक इफेक्ट्स को पूरा कम्प्लीट किया है। तो आज जो एक्चुअली मैं बात करने वाली हूँ वो है माइनॉक्सिडिल को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, जैसा मैंने ऑलरेडी उन वीडियो में भी बताया था, मैं इसे पर्सनली यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरी एल्डर सिस्टर यूज़ कर रही है जिनको थी पैटर्न बाल्डनेस की प्रॉब्लम, उनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो इस वजह से ही मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो उनको जहाँ पर भी ये पैटर्न बाल्डनेस था उन्हें इसे यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मेरा नाम हिना है और मैं स्किन केयर, एक्ने रिलेटेड हेयर केयर, आपके मेकअप, DIY और इस तरीके की वीडियोस कंटेंट मैं बनाती हूँ। अगर आपको इस तरीके का चैनल कंटेंट देखना पसंद है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये है सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर कि किस तरीके से माइनॉक्सिडिल को आपको अप्लाई करना है। तो इसमें मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं अप्लाई करते हुए दिखा देती हूँ। उससे पहले बता देती हूँ, उसके अंदर एक एप्लीकेशन ड्रॉपर आता है, आप कह सकते हैं एक पंप आता है जिसको आपको चेंज करना होता है, यानी कि जब आप बॉटल को निकालेंगे उसके अंदर ही ये आपको मिलेगा, अच्छी तरीके से पैक्ड मिलेगा, आपको जस्ट कैप को चेंज कर देना है क्योंकि आपको इसके पंप के अकॉर्डिंगली ही इसे के पूरे स्कैल्प पर लगा देना है। तो क्या करना है आपको, अपने आपको बालों को साफ होना चाहिए, आपके बाल बिल्कुल ड्राई आउट होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके का लपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए स्कैल्प आपका, देन ओनली आप इसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपने सुबह वॉश किया है तो ट्राई कीजिए कि आप इवनिंग या नाइट में लगाएं, इसे नाइट में ही दिया जाता है माइनॉक्सिडिल को अप्लाई करने। तो क्या करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको 5 पंप पाम में लेना चाहे तो आप इकट्ठा ले लीजिए, नहीं तो एक एक पंप करके भी ले लीजिए। तो आपको 5 पंप इसे अप्लाई, पहले आपको एरिया टारगेट करना है जहाँ पे आपके वो बालनेस हो रहे हैं, तो मेजरली आप उसे ही टारगेट करेंगे, एंड देन धीरे धीरे जो है आप इसे हल्के हाथों से मसाज करेंगे, ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। जब ये अच्छे से मसाज करने के बाद ऑब्जर्व हो जाएगा तो क्या करना है, आपको कॉम करना है, और कॉम करने के बाद क्या होगा, ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा आपके ऑल ओवर स्कैल्प में। आपको इसे वॉश कर लेना है, आपका कॉम भी, आपके हैंड भी, एंड देन उसके बाद जो है रात में लगा के सो सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक अल्टरनेट में यानी 2 दिन के बाद अपने स्कैल्प को वॉश कर लेना है, नहीं तो जैसे भी आपके डॉक्टर आपको कहते हैं उस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका हमें बताया गया था, इसी वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। रिजल्ट जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको नहीं देखने को मिलता है, आपको विजिबली नहीं लगेगा, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया, साइड इफेक्ट के तौर पे आपको हेयर लॉस भी लगेगा, लेकिन वो इसका पार्ट है, आपको थोड़ा वेट करना होगा, रिजल्ट ज़रूर आपको मिलेगा आपके स्कैल्प में और काफ़ी डिसेंट तरीके से मिलेगा। यहाँ तक एक मिथ भी है कि इसको यूज़ करना बंद कर देंगे हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, अगर इंटरनली हेयर फॉल का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो इशू ज़रूर ये बरकरार रहेगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट से लेते हैं, माइनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने एक कैप्सूल बताया था उसको भी यूज़ कर रहे हैं ताकि इंटरनली ये स्टॉप करे, DHT के लेवल को डाउन करे, देन उसके बाद एक प्रॉपर प्रिकॉशन लेने के बाद ही ये सारी चीजें ठीक होंगी। किसी भी एक चीज को कंसीडर नहीं कर सकते आप, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि विदाउट कंसल्टेशन आप किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आज आप एक चीज यूज करेंगे उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, देन उसके बाद आप नेक्स्ट लेंगे, तो इट्स जस्ट अ मनी वेस्ट। इससे अच्छा है कि आप जो है एक बार कंसल्ट कर लें, आपको अपना स्कैल्प पता चल जाएगा, एक रूटीन पता चल जाएगा, टिप्स पता चल जाएंगे जो भी डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड करी है, तो ही आप एक अच्छा और कर सकते हैं अपने इस बालनेस को लेकर। मैंने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा है क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर ही वीडियो बनानी थी और आप लोगों को भी शॉर्ट वीडियो ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि इस एप्लीकेशन का वीडियो भी मैं शॉर्ट रखूँगी, सिर्फ पैकेजिंग एंड एप्लीकेशन ही इसलिए मैंने आपको बताई है। बाकी इसके अदर पार्ट आपको अगर देखने हैं तो आप मेरे हेयर केयर प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखते हैं तो आपको आधी में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी कमेंट हैं मैं उनका रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको जो है उस कमेंट का रिप्लाई दूँ। तो ज़्यादातर मैंने कोशिश यही करी होती है कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसके अंदर हर एक उसका एक्सपेक्ट मैं कंप्लीट कर देती हूँ, तो प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखा करें, देन ओनली कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।